ग्लोबल 101 मॉल कांदिवली पूर्व में आर्टिस्ट्री फेस्ट 2022 का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न वर्गों की महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस साल लगभग 250 महिलाओं ने अपनी एंट्री इसमें दर्ज कराई थी, जो कला और हस्तकला, खान पान और परफॉर्मेंस आर्ट की श्रेणी से संबंध रखती थी। ग्लोबल 101 मॉल के आर्टिस्ट्री फेस्ट कार्यक्रम के दौरान 150 प्रतिभाशाली महिलाओं को स्टेज पे सार्वजनिक तौर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसी अवसर पर बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर अंतरा मित्रा ने स्टेज पर कई फिल्मी गीत गाए, जिससे लोग झूम उठे। अपनी मधुर आवाज़ की मल्लिका अंतरा मित्रा ने फिल्म दिलवाले में अरिजीत सिंह के साथ गेरुआ और जनम जनम गीत गा चुकी है। साथ ही उन्होंने राजनीति, मुन्ना माइकल, कलंक, आर राजकुमार सहित कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर अंतरा मित्रा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हम यहाँ पे जितने भी ब्यूटीफुल लेडीज, ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज हियर, लता मंगेशकर इज वन ऑफ द वेरी वेरी एम्पावर्ड वुमन, एक सशक्त महिला की एक बहुत बड़ी छवि है वो। सो ये जो इनिशिएटिव है ग्रोवेल्स 101 मॉल का, एवरी ईयर ये इनिशिएटिव वो लोग करते हैं और पिछले 8 साल से होता जा रहा है। एक बहुत खूबसूरत सा एक प्रयत्न है जो लेडीज़, जो हमारी जो कह सकते हैं कि समाज की जो बैकबोन है, वो लोग कई बार बहुत सारे और कामों में बिजी होके उनका खुद का शौक, खुद का ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाते हैं। देर आर मेनी टाइम्स दे डोंट गेट द टाइम टू डू इट। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग अपने जो सपने हैं, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना था, किसी को डांसर बनना था, किसी को सिंगर बनना था, किसी को कुछ पेंटर बनना था, किसी को कुछ कभी बुटीक चलानी थी। सो ऑल दिस ब्यूटिफुल स्मॉल ड्रीम्स वो लोग इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए फुलफिल करते हैं। हर साल होता आ रहा है, 8 साल से होता आ रहा है, दिस इज़ द 8th ईयर एंड मोर देन 150, एक्चुअली 150 ब्यूटीफुल लेडीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है उसमें। और आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत लकी मान रही हूँ अपने आप को कि आज मैं आई हूँ इतने सारे वुमेन पावर के बीच में परफॉर्म करने के लिए, और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। देखिए, मैं गाना गाती हूँ फिल्मों में, तो इसके लिए मुझे पूछा गया कि कहाँ आज मैं यहाँ आके बाकी सब मेरे जैसे ही बहुत सारी महिलाओं का के साथ एक फ़न इवेंट में जुड़े। एक्चुअली हम लोग सब बहुत मस्ती करने वाले, ना ही कि सिर्फ शो करूँगी मैं और वो लोग बैठ के गाना सुनेंगे, ऐसा नहीं। हम साथ में गाएंगे, झूमेंगे, मस्ती करेंगे। आज साल का शायद वो ऐसा दिन है जिस दिन हम घरेलू काम या फिर जो ऑफिसेज में भी काम करती हैं उनके लिए, इट्स नॉट द डे अबाउट यू नो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द डे फॉर ऑल ऑफ देम, जहाँ पे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल के सिर्फ खुद के लिए जिएंगी थोड़ा सा समय। और मैं उन सबके साथ जुड़ना चाहूँगी उस समय के लिए जब हम सिर्फ गाएंगे, जिएंगे, मस्ती करेंगे। अच्छा, 8 तारीख को जैसे कि वर्ल्ड वुमेंस डे मनाया जाता है जी, तो जो इंडियन लेडीज हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको वो नारी सशक्तिकरण पे जिस तरह से जोर दिया जाता है? देखिए, हमारे देश की जो नारी है
ये लोग इनका अलग से सशक्तिकरण करने की ज़रूरत नहीं, बड़ा ही सशक्त नारियां हैं और कई सालों से ये लोग सशक्त हैं, द्रौपदी के समय से, ये कोई नई बात नहीं है। मैं हाँ, अब बड़े बुजुर्ग कह गए थे, अब ऐसा समय आया कि लोग उसको थोड़ा नोटिस करने लगे हैं। नारी हमारी इस देश की सशक्त है बहुत सालों से, एम्पावर्ड है जिसको कहते हैं, उसका सम्मान नहीं हुआ है उस समय, एक दौर गया है, अब वो समय आया है कि उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाए कि वी हैव अ लॉट ऑफ एम्पावर्ड वुमेन इन दिस कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत सारे एम्पावर्ड वुमेन हैं, और एम्पावर्ड वुमेन का ये मतलब नहीं है कि वो बाहर निकल के काम कर रही है इसलिए एम्पावर्ड है, या फिर वो एक सर्टेन तरीके की कपड़े पहन सकती है इसलिए एम्पावर्ड है, और उसकी चोटी लंबी नहीं है, छोटे छोटे बाल है इसलिए एम्पावर्ड है। नो, एवरीबडी एवरी लेवल इन इन देयर ओन वे दे आर एम्पावर्ड। दिस कंट्री इज ऑफ अ लॉट ऑफ एम्पावर्ड वुमेन। ये देश ही ऐसा है, वेदों के समय से हमारे देश में जितनी भी आप देखिए, ज्ञान उसकी भी देवी सरस्वती है, वो भी नारी है, शक्ति वो भी नारी है, और धन वो भी नारी है। सो एवरी वेयर इज ओनली वुमन इन दिस कंट्री। सो अलग से सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, बस वो लोग सशक्त है इस चीज़ को अगर हम लोग मान ले और एक्नॉलेज कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दर्शकों को आप अपना छोटा सा परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ अंतरा मित्रा, और आज मैं आई हूँ ग्रोवल्स 101 मॉल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव जिसका नाम है आर्टिस्ट 3, उसमें जुड़ने के लिए। एक आप सिंगर हैं, तो एक लाइन में गुनगुना सकती हैं? हाँ जी, मैं एक गाना गुनगुनाऊंगी जो मैंने गाया हुआ है, और फिल्म का नाम है दिलवाले। सो गाना है, धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिली हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम मोहे गेरुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।